गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टू वीडियोस में हमने पढ़ी थी संस्कृत की गिनती। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, बनाना सीख गए होंगे। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक है धातु रूप, कि संस्कृत में धातु रूप क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो धातु मीन्स होता है क्रिया, जैसे हिंदी में होता है चलना, हंसना, रोना, तो ये सारी क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। ऐसे ही संस्कृत में धातु को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो धातु रूप जो होते हैं वो किन किन लकारों में बनते हैं, जैसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार, विधिलिंग लकार, ठीक है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे पठ मीन्स क्या होता है, पढ़ना, चल मीन्स चलना, हंस मीन्स हंसना, तो ये सारे क्या हो गई, क्रिया हो गई। और संस्कृत में इनको हम क्या बोलेंगे, धातु, ठीक है। तो धातु रूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले लकार जानने होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं, ठीक है, परंतु 5 लकारों के रूप का ही हम विशेषता प्रयोग करते हैं। कि जो संस्कृत में होते हैं लकार तो कितने होते हैं, 10, पर मुख्य रूप से हम कितने काम में लेते हैं, 5 लकार, ठीक है। बट 6 क्लास में हमारे सिर्फ 4 लकार हैं, लट, लोट, लंग और लृट, पर हम विधिलिंग भी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि 7th और 8th में भी आपके धातु रूप आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लट लकार, तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, आपने काल पढ़े होंगे, टाइम में टेंस पढ़े होंगे इंग्लिश में, ऐसे ही ये होते हैं, ठीक है। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। लोट लकार आज्ञाकार, मतलब जब हम किसी को कोई किसी काम के लिए आज्ञा देते हैं करने के लिए, तो हम लोट लकार काम में लेते हैं। लंग लकार भूतकाल, मतलब पास्ट। लिरिट लकार भविष्यकाल, मतलब जब आने वाला समय है, ठीक है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, कि जो हम किसी चीज़ को चाहिए अर्थ में, कि आपको यह काम करना चाहिए, तो वहाँ हम विधिलिंग लकार काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लट लकार धातु प्रत्यय, कि लट लकार बनाने का तरीका क्या है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये ती, तह, अंति, सी, थे, आमी, आवह, आमह, ये आपको अच्छे से याद करना है। ये धातु प्रत्यय होते हैं, लट लकार के धातु प्रत्यय। कि इन प्रत्ययों को, ये 9 प्रत्यय हैं, इनको हम अच्छे से याद कर लेंगे तो हम किसी भी धातु का लट लकार बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इनके भी मार्क्स होते हैं, ये नहीं कि आपको सिर्फ ये 9 धातु रूप लिख के आ जाने हैं और आप इनको नहीं लिखें, ठीक है। तो ये भी लिखना ज़रूरी है और इनको भी लिखना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे प्रथम पुरुष में लट लकार के प्रत्यय कैसे हैं, ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थे। उत्तम पुरुष में आमी, आव, आम। यहाँ तक समझ आया। अब कैसे बनाएंगे रूप, ये देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया पठ धातु, पठ धातु लट लकार। तो पठ धातु लट लकार के रूप हमें बनाने हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे पठ, यहाँ भी हम ऐड करेंगे पठ, यहाँ भी हम ऐड करेंगे पठ, इधर भी, ये आपने देखा। अब हमें सिर्फ ये लास्ट के प्रत्यय जो होते हैं ये अच्छे से याद करने होते हैं, और इनके आगे हमें ये धातु रूप जोड़ना होता है। तो पठ और ती मिला के क्या बना, पठती। ठीक है, पठ तह मिला के क्या बना, पठतः। पठ अंति, अब ये जो ए है ये इस ठे में मिल जाएगा तो बनेगा
पठंती। समझ आया? ऐसे आगे देखते हैं, पठ सी पठत है, पठत अब यहाँ देखें वही, जैसे ऊपर ए ठे में जुड़ा था तो ये आ है, ये हम इस ठे में जोड़ेंगे तो पे ठे में आ जुड़ा तो ठा और मी पठा मी। पे ठे में आ लगाया ठा और वह पठा वह। पे ठे में आ ठा और मैं है पठा मैं है। ये देखा आपने कि कितने इजीली ये रूप बन गए, पठती पठत है पठंती पठसी पठत है पठत पठामी पठावे है पठा मैं है। अभी हमने जो विसर्ग पीछे लगाते हैं, दो बिंदी जिनको बोलते हैं, तो इनका जो साउंड होता है वो है का होता है, जैसे पठत है पठत पठावे है पठा मैं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ किसका बनाया था, पट धातु के बनाए थे, तो हम यहाँ बनाएंगे गम धातु के। अब हमें याद रखना है कि गम के जो रूप बनते हैं वो गच्छ से बनते हैं। ठीक है, कि जो गम धातु होती है उसके धातु रूप किससे बनते हैं, गच्छ से। देखते हैं कैसे, कि हमें जो गच्छ है वो इन प्रत्यय में जोड़ते जाना है। यहाँ हम लिख देंगे जैसे गच्छ, यहाँ भी लिख देंगे देखा आपने, तो इतने इजीली जैसे अब गच्छति, तो यहाँ रूप बन गया गच्छति। इधर देखेंगे गच्छते, गच्छन्ति, वही छह में ए जुड़ जाएगा गच्छन्ति। बहुत इजी है, बस हमें प्रत्यय याद करना है। पठ सी बनाया था, अब ये में गच्छ और सी गच्छ सी। देखेंगे गच्छत है, नेक्स्ट है गच्छत, लास्ट है गच्छामी। अब वही देखिए, ये छ और ये आ, ये छ आ, तो ये आ जो है इस छ में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, छा, तो यहाँ बन जाएगा गच्छामी। ऐसे ही गच्छ आव, तो गच्छ में आ मिल जाएगा तो गच्छाव है गच्छावे है, ऐसी गच्छा में है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक चीज़ और देखेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि जो हमारी गच्छती गच्छते गच्छन्ती ये सब क्या हो गए, धातु रूप, इनके साथ कौन से शब्द लगते हैं, कौन से सर्वनाम शब्द लगते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपके लिए कितना है कि हमने बताया कि लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं, पर मुख्यतः 5 काम में लिए जाते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा लट लकार, वर्तमान काल और धातु रूप, हमने आज सीखी पठ और गच्छ। तो ये ध्यान रखना है कि हमें से पीछे के जो प्रत्यय हैं, ये ती तह अंति सी थह थे आमी आवह आम है,
ये हमें याद करने हैं, और याद करके हम इजीली किसी भी धातु के रूप लट लकार में बना सकते हैं। कि जैसे हमने बनाया प्रथम पुरुष में एक वचन में पट्टी बनता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठत है बनता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंती बनता है। तो इजीली बना लिए, ऐसे ही हमने यहाँ गच्छ के बनाए। अब आपको क्या करना है, आज का आपका जो गृह कार्य है वो क्या है, सबसे पहले आप लट लकार धातु के प्रत्यय याद करें। कौन से होते हैं प्रत्यय, जो मैंने अभी बताए थे, ती, तह, अंती, सी, तह, थे, आमी, आवह, आमह, ये होते हैं प्रत्यय, इनको आपको याद करना है। इसके बाद आपको चल और हस धातु के लट लकार के रूप स्वयं बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसमें हम इनको सॉल्व करेंगे, तो आप मैच करके देखिए आपकी कहाँ कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, ओके।